जावर हुसैन टेकरी क्षेत्र से लापता हुई हैदराबाद निवासी 2 वर्षीय नन्ही बालिका को पुलिस एवं परिजनों ने रतलाम में जावरा रोड पर शिवशंकर कॉलोनी झुग्गी झोपड़ी से बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी फरार है। औद्योगिक क्षेत्र जावरा थाना प्रभारी एमपी सिंह परिहार ने बताया कि चेहलुम के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हैदराबाद निवासी वाजिद अली परिवार के साथ आया था, जहां 10 नवंबर की सुबह उसकी 2 वर्षीय बालिका लापता हो गई थी। परिवार के लोगों ने उसे कई स्थान पर तलाश किया था, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया था। पुलिस ने इस मामले में अपहरण का प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। विगत दिनों जब ये हुसैन टेकरी सड़क पर जो है चेलुम का जो महापर्व चल रहा था और काफ़ी तादाद मिला 2 लाख लोगों की भीड़ भाड़ थी, उसी भीड़ में जो है एक वाजिद अली जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं, इनकी पत्नी को जो है कुछ हाजी वगैरह आने की वजह से जो ये अपने 7 बच्चों के साथ यहाँ बसी इलाज में करीब 1 महीने से रह रहे हैं। वो 7 बच्चों में से इनकी एक बच्ची 2 साल के करीब जो हुर्रा फातिमा, वो 10 तारीख को जो है घर से गायब हो गई थी। आप चूँकि बहुत भीड़ भाड़ थी, उसके बाद जो 10 तारीख को जब थाना हुसैन टेकरी चौकी पर रिपोर्ट हुई हमारे सब इंस्पेक्टर नागर साहब के द्वारा जो है विवेचना की गई, और उस समय भी तत्काल तमाम CCTV वगैरह खंगाले गए और अनाउंसमेंट भी कराया गया था, लेकिन उस समय बच्ची को पता नहीं चला था। उसी तारतम्य के तहत जो है हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन निर्देशन में हम लोगों के द्वारा जो है पैम्पलेट भी उस खोई हुई बच्ची की फोटो युक्त लगाए गए थे, जिसमें जावरा सभी सहज दर्शनीय स्थलों पर बस स्टैंड रेलवे स्टेशन रतलाम में भी लगाए गए थे। तो वो पंपलेट लगाने का बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि उस पंपलेट में बच्ची की जो फोटो बताई गई थी वो दूध पी 2 अंगली मुँह में दबा के उस टाइप से जो फोटो थी, उसी फोटो को जो है एक आज सुबह इनके पास एक सूचना प्राप्त हुई कि जो पंपलेट में जो बच्ची फोटो देखी गई उसी उलिया की बच्ची जो है उन्होंने एक झोपड़ी में वहाँ शिवशंकर कॉलोनी में रतलाम में देखी है। किसी का फ़ोन उनके पास आया था, तत्काल जो है इन्होंने मुझे बताया और तत्काल टीम अपन ने एक्सप्रेस वहाँ रवाना की थी। उस टीम के द्वारा जिसमें नागर साहब भी थे और उनके साथ थे लोग, उन टीम के द्वारा जो है वहाँ शिवशंकर कॉलोनी में जो है कालू नाम के व्यक्ति की झोपड़ी की तलाशी ली गई। उस झोपड़ी में जो है कालू, सुनीता और एक महिला और जो है क्या नाम उसका, उसके इन तीनों के कब्जे में जो है वो बच्ची पाई गई। बच्ची के माता पिता भी साथ में थे, उनके द्वारा तत्काल बच्ची को पहचाना गया, क्योंकि सुनीता रुखसार एक रुखसार और महिला थी और अर्जुन रुखसार, इनके द्वारा जो है उसको कब्जे में ले रखा था। बच्ची को बरामद किया गया, चूँकि 2 साल की बच्ची थी। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि जो है उस चेलुम के 10 तारीख जिस दिन भीड़भाड़ थी उस दिन उनके द्वारा जो है हुसैन टेकरी से उसको अपहरण किया गया था। अपहरण का उनका उद्देश्य अभी कुछ भी बता रहे हैं, लेकिन इनसे जो है तीनों को गिरफ्तार किया गया है और बच्ची को बरामद किया गया। तीनों की और पूछताछ जारी है कि आखिर उन्होंने बच्ची का अपहरण किस उद्देश्य से किया था। संभवतः ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई इस टाइप की गैंग हो जो बच्चों को अपहरण करके बेचती हो। अब आगे विवेचना में इस टाइप को पता लगेगा। कुल मिला के कितने आरोपी सर? आरोपी इसमें 4 है। कालू नाम का जो आरोपी है वो फरार हो गया है, बाकी 3 आरोपी जो है सुनीता, रुखसार और अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है।